दोस्तों अगर आप भी भारत को सबसे भयंकर टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में ठीक ठाक सा प्रदर्शन कर रही है, जिसके बाद सबसे बड़ा योगदान बुमराह और मोहम्मद शमी का रहा और दोनों ही गेंदबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जिसको लेकर पाकिस्तानी दिग्गजों का बयान सामने आया है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या कहा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की बल्लेबाजी को लेकर। लेकिन इससे पहले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन है बेहतरीन गेंदबाज, इस बात का जवाब होने की कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम जोहानसबर्ग के स्टेडियम में 3 जनवरी से दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है, जिसमें पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से 113 रनों से हराया था और वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली नहीं खेल रहे थे और वहीं उनकी जगह टीम में कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं और भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम में विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी को शामिल किया गया। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने काइली वर्ने को क्विंटन डिकॉक की जगह और ओलिवर को मुल्डर की जगह टीम में शामिल किया है। तो वहीं भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो दोनों ही बल्लेबाजों ने साधारण सी शुरुआत दी, जिसमें मयंक अग्रवाल 26 रन 5 चौकों की मदद से बना पाए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा भी साधारण से 3 रन बनाकर आउट हो गए और इसके तुरंत बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे भी अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई नजर आई और कप्तान केएल राहुल ने हनुमा विहारी के साथ मिलकर 40 रन की शानदार साझेदारी की। लेकिन इसके बाद हनुमा विहारी 20 रन 3 चौकों की मदद से बनाकर आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत भी 17 रन बनाकर 1 चौके की मदद से आउट हो गए और इसके बाद एक तरफ सेट हुए कप्तान केएल राहुल अपना 13वां अर्धशतक जड़कर 50 रन 9 चौकों की मदद से बनाकर पवेलियन लौट गए और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए अश्विन ने 40 रन 6 चौकों की मदद से बनाए और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर अगले ही ओवर में 0 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज भी 1 रन बनाकर आउट हो गए और अंत में मोहम्मद शमी 9 रन बनाकर 1 चौके की मदद से आउट हो गए और बचे हुए बल्लेबाज में जसप्रीत बुमराह ने रबाडा के एक ही ओवर में 14 रन जोड़कर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से अपनी शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 202 रन तक बना पाई और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो दिन के अंत तक 35 रन पर 1 विकेट खो दिया था और वहीं मार्क्रम 7 रन 1 चौके की मदद से बनाकर आउट हो गए। तो वहीं पीटरसन 14 रन और कप्तान डीन अल्कन 11 रन बनाकर नाबाद खड़े हैं। तो वहीं साउथ अफ्रीका का एकमात्र विकेट मोहम्मद शमी ने लिया और जिसके बाद पाकिस्तानी दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें शाहिद अफरीदी ने कहा है कि भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाज भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालना जानते हैं और समय आने पर बल्लेबाजों के ना चलने के कारण गेंदबाज अपना प्रदर्शन दिखाते हैं और गेंदबाजी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी भी करके दिखाते हैं। तो वहीं शोएब अख्तर ने कहा है कि भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज समय समय पर फ्लॉप होते रहते हैं तो सारा का सारा दबाव निचले क्रम के खिलाड़ियों पर आ जाता है, जिसके कारण निचले क्रम के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और पाकिस्तान के इंजमाम उल्लक ने कहा कि भारतीय टीम में कभी भी कोई ना कोई बल्लेबाज जरूर चलता है, जिस कारण से भारतीय टीम हमेशा जीतती है और साथ ही साथ गेंदबाज बल्लेबाजी करना जानते हैं और दोनों ही गेंदबाजों ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है उसे देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये दोनों सिर्फ गेंदबाजी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से आप किसे ज्यादा अच्छा बल्लेबाज मानते हैं या गेंदबाज मानते हैं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।